दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नौकरी गाइड यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके गवर्नमेंट जॉब्स और केंद्रीय कर्मचारियों से रिलेटेड न्यूज़ का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, नौकरी गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम आपको ये न्यूज़ देंगे कि सातवें वेतनमान के 50% एरियर का भुगतान 30 जून तक। तो दोस्तों देखते हैं इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। हालांकि न्यूज़ आज की है, मई 6, 2018, मेन स्लाइड उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ। तो इसमें बताया क्या गया है उस पर हम इस पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को पुनरीक्षित वेतन के बकाए का 50% हिस्सा 30 जून तक देने की तैयारी है। तो बोलेंगे 30 जून तक जो आपका एरियर है, जो बकाया है, उसका 50% हिस्सा दे दिया जाएगा। उच्च स्तर के संकेत मिलने के बावजूद वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस प्रस्ताव पर सहमति लेने से जुड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बोलेंगे ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। इसके लिए दरअसल सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन का भुगतान होना है। तो ये बताया गया कि 1 जनवरी 2016 से ये जो बकाया हमारा एरियर है उसका भुगतान करना है सरकार को। राज्य वेतन समिति की सिफारिश पर सरकार ने कर्मियों का वेतन का नकद भुगतान जनवरी 2017 से शुरू किया है। जनवरी से दिसंबर 2016 के एरियर का भुगतान बकाया है, तो जो एरियर बकाया है उसका ये भुगतान करने जा रहे हैं, उसका 50%। एरियर का 50% हिस्सा वित्त वर्ष 2018-19 में देने का फैसला पहले हो चुका है, लेकिन इसका भुगतान किस माह में किया जाएगा यह निर्णय बाकी है। तो ये बोले कि पहले भी इस पर बात हो चुकी है इसको पे करने के लिए कि 50% हिस्सा उन्हें नकद दिया जाएगा, लेकिन ये माह तय नहीं किया गया था कि किस माह में। तो देखते हैं। वहीं कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर एरियर भुगतान का दबाव बनाए हैं। तो जैसा आपने देखा भी होगा, 30 तारीख को रैली भी थी, 30 अप्रैल को। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जून में एरियर भुगतान की कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। अब वित्त विभाग मुख्य सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की सहमति लेने की कार्रवाई करेगा। अब ये क्या है, इसको पास तभी किया जाएगा जब सीएम की सहमति मिल जाएगी, तो उसके लिए प्रोसेस जारी है। पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा महंगाई भत्ते के बकाया 50% हिस्से का भुगतान चालू वित्त वर्ष 15 मई से 30 जून तक कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद इस संबंध में आदेश जारी हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की एक बड़ी मांग भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों आगे क्या बताया गया है इसमें कि 5877 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आने का अनुमान। तो सरकार को इतना रुपए देना पड़ेगा तो वो बताएगा कि उनके ऊपर भार है। तो मैं नहीं मानता ये कोई भार है, क्योंकि ये जो बकाया है वो हाथ की हाथ जो हमें है पे करना चाहिए था, लेकिन अब ये डिले है इसमें भी इसको एक तारीफ से भार बताया गया है। तो चलो देखते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य वेतन समिति की सिफारिशों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतन के बकाया का 50% भुगतान करने के लिए 2018-19 के बजट में 5877.75 करोड़ रुपये का बंदोबस्त किया है। इसमें राज्य कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर 2801.10 करोड़ रुपये वे स्वायत्त शासी संस्थाओं, राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए 3076.67 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। तो ये एस्टिमेट लगाया गया है, इतने पैसे खर्च किए जाएंगे क्योंकि उनका जो बकाया जमा राशि है उसको दी जाएगी। इन्हें मिलेगा फ़ायदा, राज्य कर्मचारी, राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण, प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मी व पेंशनर। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी यही बात बताई गई है जो इस न्यूज़ का पोस्टमार्टम हमने किया है। तो इसमें यही बताया गया है कि आपका जो बकाया एरियर है उसका 50% आपको जून तक दे दिया जाएगा। तो इसमें 15 मई से 30 जून बताया गया था, तब तक आपका पे कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ऐसी काफ़ी न्यूज़ पहले भी आ चुकी हैं कि इसका भुगतान पहले किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से हमें आश्वासन मिलते रहे हैं। तो अब इसका पता तभी चलेगा जून में, अगर ये पे किया जाएगा या कोई नेक्स्ट डेट दी जाएगी। तो उसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, किसी और दोस्त तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।